दोस्तों, क्या आप मुझे बताएंगे कि होटलों, कारखानों, दुकानों में बच्चों का काम करना उचित है? तब आप मुझे जवाब देंगे कि नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मेरा दूसरा सवाल यह है कि पिताजी ने अगर आपका स्कूल छुड़वाकर आपको नौकरी करने को कहा तो आपको कैसा लगेगा? तो आप मुझे जवाब देंगे, नहीं सर, हमें बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि हमारी यह जो उम्र है, यह पढ़ने की उम्र है, यह उम्र हमारी काम करने की उम्र नहीं है, ऐसा आप मुझे जवाब देंगे। अगर मेरा तीसरा सवाल आपके लिए यह है कि अगर आपका कोई दोस्त या आपकी सहेली अगर आपके सामने से स्कूल जा रही है या स्कूल जा रहा है और आप घर पे ही बैठे हैं या आप किसी काम पर जा रहे हैं तब आपको कैसा लगेगा? तब आप मुझे जवाब देंगे कि सर, हमें ऐसा लगेगा कि मुझसे किसी ने कुछ तो छीन लिया है, मेरा अधिकार किसी ने तो छीन लिया है, ऐसा आप मुझे जवाब देंगे। और अगर किसी खेल प्रतियोगिता में आपकी जीत हुई है तब आपको कैसा लगेगा? बहुत ही अच्छा लगेगा, बराबर ना? यही जवाब देंगे आप मुझे कि सर, तब हमें कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, हमें अपने आप पर गर्व महसूस होने लगेगा। लेकिन दोस्तों, आज का हमारा जो गद्य है बंधन का पंछी, इस बंधन के पंछी गद्य में एक करीम नामक लड़का है। उस करीम नामक लड़के के साथ यही हुआ है। क्या हुआ है कि उसके पिताजी ने उसका स्कूल, उसकी पाठशाला छुड़वा दी है और उसे बीड़ी के कारखाने में काम पर लगाया है। तो उसकी मन की व्यथा क्या है, वो क्या सोचता है, उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं बंधन का पंछी इस गद्य के माध्यम से। चतुरंग जी ने लिखा हुआ यह गद्य है बंधन का पंछी। देखिए गद्य को हम देखते हैं। करीम स्कूल में पढ़ने जाना चाहता है पर पिता उसका स्कूल छुड़ाकर बीड़ी कारखाने में काम पर लगा देते हैं। कहाँ काम पर लगा देते हैं? बीड़ी कारखाने में। बीड़ी का कारखाना, बीड़ी आपको पता है ना? कारखाने में काम करने के कारण करीम का बचपन छीन जाता है। आपको पता है, अगर बचपन में ही आपको आपके माँ या पिताजी ने काम पर लगाया तब क्या हो जाता है, आपका जो बचपन है, मतलब आपके खेलने के भागने के जो दिन है, पढ़ने के जो दिन है, वो क्या हो जाते हैं? गायब हो जाता है। यानी जैसे कि किसी ने आपसे कुछ तो छीन लिया है। करीम के मन की व्यथा इस कहानी में पड़ी है। ये एक प्रकार की कहानी है। ये क्या कहानी, ये क्या है? कहानी है। ये किसकी कहानी है? करीम की कहानी है। करीम के मन की व्यथा की कहानी है। देखिए, दिन चढ़ चुका था, मतलब सुबह होकर गई थी, अब दोपहर शुरू हुई थी, मतलब 10, 10:30, 11 इतने बजे थे। देखिए, दिन चढ़ चुका था, लड़का जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था। जल्दी जल्दी कदम बढ़ा था, वही लड़का कहाँ जा रहा था? फैक्ट्री में जा रहा था। कहाँ जा रहा था? फैक्ट्री में जा रहा था। दिन चढ़ चुका था, लड़का जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था। अब तक उसे बीड़ी फैक्ट्री में पहुंच जाना था, लेकिन रास्ते में कुछ दोस्त कंचे खेल रहे थे, उनमें वह भी शामिल हुआ। ओह, कितना अच्छा था खेल, हर बार वही जीतता था। उस जीत ने खेल में 4 चांद लगा दिए थे। जब करीम बीड़ी फैक्ट्री में जा रहा था तब उसके कुछ दोस्त क्या कर रहे थे? कंचे खेल रहे थे। कंचे खेलना पता है आपको? कंचे खेल रहे थे। तब करीम भी उनमें क्या हुआ है, शामिल हुआ है, उस खेल में शामिल हुआ है। वो उस खेल का मजा ले रहा है। इस तरह खेल का मजा लेते हुए वह जा रहा था। खेल का मजा लेते हुए उसने खेल का मजा लिया है और वह उस खेल को देखते देखते अपनी फैक्ट्री की ओर
जाने लगा। हाँ? इस तरह खेल का मजा लेते हुए वह जा रहा था। करीम की हंसी उमर सी पड़ी। सभी दोस्त बोटा बोटा कहकर नायडू को चिढ़ाते थे। उन दोस्तों में एक लड़का था जो बहुत ही देर वाला था। हाँ? जो अट्टा कट्टा था, जिसकी देर जो बोटा था। तब जब वो लंबी टांग ले रहा था तब सभी उसके जो बाकी के दोस्त थे वो उसे चिढ़ाते थे, जैसे कि आप आपके दोस्तों को चिढ़ाते हैं। हाँ? वो क्या चिढ़ाते थे उसे, नायडू को क्या चिढ़ाते थे सभी लोग, बोला पकोड़ा ऐसा कहकर नायडू को चिढ़ाते थे। वो अपनी मोटी देह को ढोकर लंगड़ी टांग खेल में हारता हमेशा। वो हमेशा आता था क्योंकि उसकी मोटी देह थी, उसे कंचे करना नहीं आता था, इसलिए वो हमेशा अपने सभी दोस्तों से हारता था। हंसते हंसते सिर नीचा करके चलते जाने वाले करीम को मंडी बाजार में थोड़ी दूर जाने पर किसी ने पुकारा, करीम ओ करीम। आवाज परिचित थी। देखो करीम जब कच्चे खेलने के बाद जब बीड़ी के फैक्ट्री में जा रहा था तब मंडी बाजार के यहां पहुंचने के बाद उसे किसी ने तो आवाज लगाई, करीम ओ करीम। लेकिन वह आवाज करीम को पता थी, मतलब पहचान वाली थी, और वह आवाज किसकी थी, करीम का दोस्त कौन, जनार्दन। वो जनार्दन की वह आवाज थी। हंसते हंसते सिर नीचा करके चलते जाने वाले करीम को मंडी बाजार में थोड़ी दूर जाने पर किसी ने पुकारा, करीम ओ करीम। आवाज परिचित थी। घूमकर देखा तो जनार्दन था जो स्कूल जा रहा था। देखो अब करीम कहां जा रहा है, बीड़ी फैक्ट्री में, और जनार्दन कहां जा रहा है, स्कूल जा रहा है। आगे देखिए, घूमकर देखा तो जनार्दन था जो स्कूल जा रहा था। करीम और जनार्दन में गहरी दोस्ती थी, वे एक दूसरे के खास दोस्त थे, गहरे दोस्त थे, उनकी निकट की दोस्ती थी। करीम को उससे जलन हुई है। जनार्दन को देखते देखते करीम को अपने स्कूल, वहां के दोस्त, वे खेल एक एक करके याद आया। देखो जनार्दन को सब याद आया जो वो स्कूल में जाता था, उसके वहां के दोस्त, उन दोस्तों के साथ खेलना, अपना स्कूल, उस सब एक एक करके याद आने लगा है। दोनों लड़के कुछ समय परस्पर बिना बोले चुपचाप चले। दोनों में करीम को ही बोलना पसंद नहीं आ रहा था, वे बिना बोले चल रहे थे, कौन, जनार्दन और करीम। करीम और जनार्दन में गहरी दोस्ती थी। दोनों एक ही दर्जे में पढ़ते थे, एक ही कक्षा में पढ़ते थे। दर्जा यानी कक्षा। हाँ, यहां पर दर्जा यानी क्या, कक्षा। दोनों एक ही दर्जे में पढ़ते थे। स्कूल जा रहे हो, करीम ने उत्सुकता से पूछा। हाँ रे, जनार्दन ने कहा। देखो अब जनार्दन को स्कूल जाते थे, करीम के मन की क्या स्थिति हुई होगी। देखो वो पूछ रहा है जनार्दन को, अपने दोस्त को, अपने खास दोस्त को पूछ रहा है, जनार्दन तू कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। तब जनार्दन ने कहा कि हाँ रे, इतनी जल्दी दुकान में की तरह निकले हो ना। करीम पूछा कि इतनी जल्दी जल्दी क्यों निकले हो। तब वो क्या बोलता है, वो हाँ, सामी के घर जाकर वहां कुछ देर खेलकर वही खाना खाकर फिर स्कूल जाता हूँ। मैं पहले कहाँ जाता हूँ, सामी के घर जाता हूँ। अब उसका दूसरा दोस्त किसका, जनार्दन का, सामी, उसका नाम क्या है, सामी। सामी के घर जाता हूँ, वहां जाने के बाद खेलता हूँ, उसके बाद खाना खाता हूँ, और फिर मैं वहां से कहां जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ। ओह कहकर चुप हुए करीम ने हृदय में अस्पष्ट वेदना अनुभव की। वेदना, वेदना यानी क्या, चुभा। देखो
चुप उड़े करीने हृदय में एक अस्पष्ट वेदना अनुभव की। स्कूल बैग लेकर जाने वाले जनार्दन को देखकर करीब को उससे जलन सी हुई। देखो अब करीब करीब और जनार्दन दोनों एक दूसरे के खास दोस्त हैं, हाँ? लेकिन फिर भी क्या हुआ है, देखो जनार्दन को स्कूल बैग लेकर स्कूल जाते हुए देखते हुए क्या हुआ है, क्यों? क्योंकि करीब को ही अच्छा नहीं लगता था। करीब जाना है बीड़ी फैक्ट्री में और जनार्दन जाना है स्कूल में। उसके मन की जो व्यथा है, उसके उसकी जो सोच है, उस सोच उसे दबा कर रखती है, न बोलने के लिए मजबूर करती है। देखिए जनार्दन ने ही मौत को पहले तोड़ा, जनार्दन ने पहला बोलना शुरू किया है। देखो क्यों रे करीब स्कूल छोड़ दिया, जनार्दन ने पूछा। जनार्दन ने उसे सवाल किया है, करीब क्या बात है, तूने स्कूल क्यों छोड़ा है? तब करीब क्या बोलता है, देखो प्रश्न ने करीब को दुख को और भी बढ़ा दिया। उसने मुश्किल से कोशिश करके कहा, अब्बा ने छुड़वा दिया, स्कूल मैंने नहीं छोड़ा है, बल्कि किसने छुड़वा दिया है, मेरे अब्बा ने छुड़वा दिया है। अब आगे देखो जनार्दन पूछता है कि क्यों तुम्हारा स्कूल अब्बा ने क्यों छुड़वा दिया? क्योंकि मुझे भी कुछ कमाना चाहिए, इसलिए स्कूल छोड़कर मुझे बीड़ी मुझे फैक्ट्री में काम पर लगा दिया। अब्बा की सोच थी, अब्बा का कहना था कि परिवार के लिए मुझे भी कुछ कमाना चाहिए था, इसलिए अब्बा ने क्या किया है, मेरा स्कूल छुड़वा दिया है और मुझे बीड़ी फैक्ट्री में काम पर लगाया है। छी छी, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हारे अब्बा को। देखो मेरे पिताजी, मेरे छोटे चाचा जी सभी कहते हैं लड़कों को इस उम्र में अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। तुम्हारे अब्बा को तुम्हें बीड़ी कारखाने में नहीं भेजना चाहिए था, अमीर घर के लड़के जनार्दन ने कहा। जनार्दन ने करीब को कहा है, छी तुम्हारे अब्बा ने ऐसा क्यों किया, मेरे पिताजी मेरे छोटे चाचा जी सब यही कहते हैं कि बच्चों को क्या करना चाहिए, इस उम्र में पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, और तुम्हारे अब्बा ने जो किया है ये अच्छी बात नहीं है। करीब आगे देखो 10 वर्ष के लड़के करीब को समझ में न आने पर भी उस समय जनार्दन की बात सही लगी। करीब को सही लगी जनार्दन की बात, हाँ जनार्दन ये जो भी कुछ बोलता है ये सही बोल रहा है। दोनों लड़के तब तक चौराहे पर आ गए थे। एक रास्ता स्कूल की तरफ और दूसरा फैक्ट्री की तरफ जाता था। बिछड़ने वाले उन दो दोस्तों के प्रतीक की तरफ, देखो वे दोनों भी उस जगह पर आए थे, उस चौराहे पर आ रहे थे जहां से एक रास्ता कहा जाता था स्कूल की ओर जाता था और दूसरा रास्ता कहा जाता था फैक्ट्री की ओर जाता था। अब अच्छा अब आगे देखो, तो मैं जाता हूं कहकर जनार्दन ने स्कूल की तरफ हाथ करते हुए कहा। वहां देखो करीब, जनार्दन बोल रहा है, किसको बोल रहा है, करीब को बोल रहा है, वहां देखो करीब स्कूल के पास दिखाई पड़ता है ना घर, पीला घर, वही सामी का घर है, तुमने नहीं देखा है उसको, बड़ा अच्छा है। जनार्दन करीब को दिखा रहे, करीब वो देख उस स्कूल के पास जो पीले रंग का जो घर दिखाई दे रहा है ना, वो किसका घर है, सामी का घर है, वो बहुत ही अच्छा लड़का है, तूने उसे नहीं देखा है। शाम को स्कूल छुटने के बाद हम सब मिलकर उसी के घर खेलते हैं। शाम को जब स्कूल छुटता है तब हम सब किसके घर जाते हैं, उस सामी के घर जाते हैं और उसके घर में ही खेलते हैं। चाकू चाकू यह एक प्रकार का खेल है, चाकू खो खो लंगड़ी टांग कबड्डी वगैरह अगर तुम भी आओ तो अच्छा लगेगा। जनार्दन करीब को बोल रहा है कि करीब जब शाम को स्कूल छूटता है तब हम सभी दोस्त उस सामी के घर में आते हैं और वहां आने के बाद हम खेलते हैं, चाकू खेलते हैं, खो खो खेलते हैं, लंगड़ी टांग खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, अगर तुम भी उधर खेलने के लिए आएंगे तब हम सबको कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा। करीब ने कहा है, अच्छा दोस्त के प्यार भरे निमंत्रण पर करीब ने कह तो दिया अच्छा, परंतु दूसरे क्षण में उसे कारखाने की याद आई।
देखो उसने अच्छा कहा है, वो उस सोच में डूबा था, लेकिन दूसरे ही क्षण में उसे क्या याद आया है कि कारखाना याद आया है। नहीं, अगर मैं कारखाने से जल्दी वहां शाम को जल्दी छूटा तो ही मैं खेलने के लिए जा सकता हूँ, वरना मैं खेलने के लिए नहीं जा सकता। मैंने अच्छा तो कह दिया है, मैंने हाँ तो कह दिया है, लेकिन मैं नहीं आ सकता। देखिए वो सोचने लगा पैसा कैसे हो सकता है। उस कारखाने में शाम को भी काम लेते थे, कभी कभी 7:30-8 बजे तक भी धुंधले प्रकाश के कमरे में बैठा देते हैं, बीड़ी बांधने के लिए पत्ते कतार कर रखने का काम करता था। देखो जो बीड़ी बनाते थे उस बीड़ी बांधने के लिए पत्ते कतार नहीं करते थे, उस उन पत्तों को कतारने का काम किसका था, बीड़ी फैक्ट्री में करीब का था। करीब क्या करता था, पत्ते कतारने का काम करता था। बीच में उस नरक से बाहर जाने के लिए वह कभी हिलता तो अपा की लाल आंखें उससे जैसी कभी चुपचाप बैठो। अगर कभी कभार जब उसका मन थोड़ा सा भी हिलने के लिए कहता तब उसके जो अपा जी हैं उन अपा जी की आंखें उस पर पड़ती है लाल लाल आंखें कि चुपचाप बैठकर अपना काम करो। जैसे कि कभी कभार आपके घर वाले, आपकी माँ, आपके पिताजी आपको कहते हैं चुपचाप पढ़ाई कर, कहते या नहीं। वैसे करीम के अब्बा जी, करीम के पिताजी भी उसे कहते हैं कि चुपचाप तुझे तो जो काम दिया है वो काम कर। कौन सा काम, पत्ते कतारने का काम। जनार्दन दूर दूर होता जा रहा था, उस पार दूर उसका स्कूल दिखाई दे रहा था। स्कूल को देखते देखते करीम को लगा जैसे जीवन में उसने कुछ खो दिया है। जब भी जनार्दन के साथ उसकी बात हुई, करीम की बात हुई, करीम अपने मन में सोचता ही रहा कि जैसे कि मुझसे किसी ने तो कुछ तो छीन लिया है, ये जो मेरी उम्र है ये काम करने की उम्र नहीं है, ये मेरे उम्र के सारे दोस्त कहा जाते हैं स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, खेल रहे हैं, मजा ले रहे हैं, और मैं क्या कर रहा हूं, मेरे परिवार के लिए बीड़ी फैक्ट्री में पत्ते कतारने का। अपन ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, कौन सोच रहा है, करीम सोच रहा है। अगर आपके पिताजी ने आपको कहीं काम पर लगाया तो आपको कैसा लगेगा, क्या आपको सही लगेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके पिताजी की ओर देखने का आपका जो दृष्टिकोण है, जो नजर है वो बदल जाएगी दोस्तों, आपको गुस्सा आएगा। आया ना, हाँ, करीम के साथ भी यही हुआ है। देखो जनार्दन दूर दूर होता जा रहा था, उस पार दूर उसका स्कूल दिखाई दे रहा था। स्कूल को देखते देखते करीम को लगा जैसे जीवन में उसने कुछ खो दिया है। एक लंबी सांस छोड़कर वह अपने कारखाने की ओर चला। ऊपर ऊपर चढ़ते सूरज को देखकर उसे डर लगा। देखो उसे वहां पर बहुत समय हो गया है और ऊपर चढ़ते सूरज को देखकर वो डरने लगा कि मुझे बीड़ी फैक्ट्री में जाने के लिए देरी हो गई है, देर हो रही है, अब मेरे अब्बा जी गुस्सा हुए होंगे। देखो देर से जाने पर अब्बा से मार जरूर खानी पड़ेगी, इसलिए वह डरा। कंबक कंचे खेलने नहीं जाना चाहिए था, बीड़ी फैक्ट्री की ओर कदम बढ़ाने लगा। वो सोचने लगा, वो अपने मन में सोचने लगा, क्या सोचने लगा कि देर से अगर मैं वहां पर जाऊं फैक्ट्री में जाऊं तो क्या करना पड़ेगा, मुझे अब्बा जी का मार खाना पड़ेगा, मुझे कंचे खेलने नहीं जाना चाहिए था। और ऐसा सोचते हुए वो क्या करने लगा फैक्ट्री की ओर अपने कदम बढ़ाने लगा, मतलब जल्दी जल्दी चलने लगा। आगे देखो 10 मिनट में करीब फैक्ट्री के सामने पहुंच गया। लड़के गुल्ली डंडा खेल रहे थे। देखो जब भी वो फैक्ट्री के सामने पहुंच गया तो वहां पर फैक्ट्री के सामने कुछ लड़के क्या कर रहे थे, गुल्ली डंडा खेल रहे थे। गुल्ली डंडा खेलने में करीम बहुत ही माहिर था, वो गुल्ली डंडा खेलना बहुत ही अच्छी तरह से जानता था। देखो फैक्ट्री के सामने जाते ही उसने क्या देखा है कि कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। आगे देखो फैक्ट्री के सामने पहुंच गया, लड़के गुल्ली डंडा खेल
क्रुद्ध होकर खेल देखने लगा। और वो बैठने में नाना भी बोल गया है, अब्बा जी मुझे डांटेंगे, मुझे मार खानी पड़ेगी, वो सब भूल गया है। और वो उधर ही रुका है फैक्ट्री के सामने। क्यों रुका है? क्योंकि फैक्ट्री के सामने कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं? गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, जो उसे बहुत पसंद है। किसको बहुत पसंद है? करीम को बहुत पसंद है। गुल्ली के लिए वो चाहे खाना भी छोड़ देता था, इतना मन था उसका उस खेल में। कुछ समय पहले वो सोच रहा था कि बीड़ी की फैक्ट्री की सीढ़ियां चढ़कर जाना होगा, पर बच्चों को गुल्ली डंडा खेलते देख वह इस बात को अब मानो भूल सा गया है। कुछ समय पहले वो सोचने लगा कि सूरज ऊपर हो रहा है, मुझे बीड़ी फैक्ट्री में जाने में देरी हो गई है। लेकिन जैसे ही वो बीड़ी फैक्ट्री के सामने आया, तब उसने क्या देखा है? कुछ बच्चे उधर गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, और उन्हें गुल्ली डंडा खेलते हुए देख वो बीड़ी फैक्ट्री में जाने के लिए भूल गया है, बीड़ी फैक्ट्री जाना भूल गया है। और वह वो खेल देखने लगा। आगे देखिए, एक दो तीन रेडी झुककर खड़ा, डंडा हाथ में लिए गुल्ली को देखता लड़का तिम्मा रेडी जोर से बोला। कौन खेल रहा था? तिम्मा रेडी नाम का एक लड़का खेल रहा था। उसने बोला है सभी बाकी के बच्चों को, बाकी के दोस्तों को, एक दो तीन रेडी। पता है ना सबको गुल्ली डंडा कैसे कहते हैं? गुल्ली रहते हैं और उसे नीचे रखा जाता है, और एक हाथ में डंडा रहता है, और एक जो हाथ में डंडा रहता है उस डंडे से उस गुल्ली पर हल्की सी चोट की जाती है, गुल्ली ऊपर उठती है, और बाद में डंडा फिराकर घुमाकर उस गुल्ली को मारना पड़ता है और गुल्ली दूर दूर जाकर गिरती है। पता है ना? हाँ। देखिए, एक दो तीन रेडी झुककर खड़ा, डंडा हाथ में लिए गुल्ली को देखता लड़का तिम्मा रेडी जोर से बोला। गुल्ली को पकड़ने के लिए तैयार दूर खड़े विरोधी पक्ष के लड़के बोले, रेडी। करीब का कुतूहल पड़ा, तिम्मा रेडी कैसे मारता है, गुल्ली कितनी दूर जाती है, इसका अंदाजा करके वह गौर से देखता रहा। वो उधर खड़ा ही है और देख रहा है। क्या देख रहा है? गुल्ली डंडे का खेल देख रहा है। तिम्मा रेडी कैसे गुल्ली को उठाकर मारता है वो देखना चाहता है। तिम्मा रेडी ने डंडे से गुल्ली पर धीरे से चोट करके ऊपर उछली, गुल्ली पर फिर डंडा फिराया, लेकिन उस तरह फिराए डंडे से गुल्ली का मेल नहीं हुआ है। तिम्मा रेडी ने क्या किया है? अपने हाथ में जो डंडा था उस डंडे से गुल्ली पर हल्की सी चोट की है, गुल्ली ऊपर उठी है, लेकिन जब वो फिर से डंडे से गुल्ली को मारना चाहता है, तब उस गुल्ली का और डंडे का मेल नहीं हुआ है। वह केवल हवा में ही डंडा फिराकर खुद घूमकर खड़ा हो गया। ऊपर उसने गुल्ली फिर उसी जगह गिर पड़ी जहां वह पहले थी, तब खिलखिलाकर हंस पड़ा करीम। यह सब कौन देख रहा था? करीम भी देख रहा था। और ये सब देखकर करीम हंसने लगा। करीम क्यों हंसने लगा? क्योंकि वो तुम्हारे लिए उस गुल्ली को नहीं मार सका, इसलिए करीम हंसने लगा है। हंसी हमेशा संक्रामक होती है और लड़के भी हंसे। तिम्मा रेडी को अपमान सा लगा और नाराज हुआ। जैसे ही करीम हंसा तो हंसी हमेशा संक्रामक होती है, आपको पता है। कक्षा में जब अध्यापक आपको सिखाते हैं तो कक्षा में एक आधा छात्र हंस गया तो उसे देखकर बाकी के छात्र भी हंसने लगते हैं। एक हंसा तो दूसरा हंसने लगता है, दूसरा हंसा तो तीसरा हंसने लगता है। धीरे 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 क्या हो जाता है? पूरी कक्षा के छात्र हंसने लगते हैं। यानी यहां पर कहा है कि हंसी हमेशा कैसी होती है? संक्रामक होती है। यहां आया बड़ा आदमी हंस रहा है जैसे बड़ा खिलाड़ी है, कहकर तिम्मा रेडी तमतमा उठा। तमतमा उठना, तमतमा उठना यानी क्रोधित हो उठा। Thank you.
यहां आया बड़ा खिलाड़ी, हंस रहा है जैसे बड़ा खिलाड़ी है, कहकर तुम्हारे लिए तमतमा होगा। किस पर तमतमा होता है? करीब पर। क्यों? क्योंकि करीब पहले क्या करने लगा? हंसने लगा, और करीब को हंसते थे सारे बच्चे हंसने लगे। तब करीब क्या बोलता है, देखो मुझे एक बार खेलने तो दिखाऊंगा। करीब ने दृढ़ निश्चय और अटल आत्मविश्वास से कहा कि मुझे तेरे हाथ में जो डंडा है और नीचे हुई जो गिल्ली है उससे मुझे खेलने दे, तो मैं तुझे दिखाऊंगा कि मैं कैसे खेलता हूं और तुम्हारे लिए क्या किया है। गुल्ली को और डंडे को उसके हाथ में लिया है और उसे खेलने को कहा है। देखो मुझे एक बार खेलने तो दो तो दिखाऊंगा। करीब ने दृढ़ निश्चय और अटल आत्मविश्वास से कहा, आए बड़े खिलाड़ी, मैं जानता हूं, चुप रहो, एक बार खेलने का मौका देकर देख। कौन बोलता है? करीब बोलता है। किसको बोलता है? तिमारेडी को बोलता है कि एक बार तू मुझे खेलने का मौका तो दे, तो मैं दिखाऊंगा कि मैं कैसे गुल्ली डंडा खेलता हूं। ओहो आओ चलो तुम्हारा भी खेल देंगे। चुनौती मिलते ही करीब की बाहें फड़फड़ाने लगी। दूसरा कोई कहे तुम यह काम नहीं कर सकता तो वह कहता जरूर कर सकता हूं, ऐसी दिलेरी थी उसकी। वह जोश से आगे बढ़कर आया, रेडी के हाथ से डंडा लेकर उसने गुल्ली को ठीक जगह रखकर डंडे को आराम से फिराते हुए हुक्का कहा, रेडी? दूर खड़े हुए लड़कों ने भी कहा रेडी। करीब ने डंडे से गुल्ली को उठाकर ऐसा मारा कि वह टन आवाज करके लड़कों के सिरों पर से उड़कर दूर रास्ते के नाले में जा गई। देखो उसे चुनौती मिली। किसको? करीब को। किसने चुनौती दी? तुम्हारे लिए। कौन सी चुनौती दी? गुल्ली डंडा खेलने की चुनौती दी। तब उसने क्या किया है, जैसे उसे चुनौती मिली उसने डंडे को अपने हाथ में लिया है और गुल्ली पर हल्की सी चोट की है और गुल्ली को डंडे से ऐसे मारा है जो सामने खड़े बच्चे थे उन बच्चों के ऊपर से गुल्ली कहां गई है? नाले में जाकर गिरी है। कहां गिरी है? नाले में जाकर गिरी है। आगे क्या हुआ देखिए। लड़कों की टोली ने करीब के लिए तालियां बजाई और मुग्ध होकर शाबाश कहा। जो बाकी के लड़के थे उन बाकी के लड़कों ने क्या किया है? करीब के लिए तालियां बजाई है और उसे शाबाश भी कहा है। अब आप खड़े तिमारेडी के हाथ में डंडा देते समय करीब के चेहरे पर ऐसा सेनापति का विजयोत्सव चमक रहा था जैसे वह हजार लड़ाइयां जीत कर आया हो। जब वो जीत गया, कौन जीत गया है यहां पर? करीब जीत गया है। तब करीब को ऐसा लगा कि जैसे मैंने क्या किया है, हजार लड़ाइयां जीती हैं, ऐसा उसे महसूस होने लगा। विजय शेर की तरह करीब जब खोल रहा था तो उसके अब्बा ने फैक्ट्री के दरवाजे पर खड़े होकर डांटा। देखो वो विजय से फूल रहा था, वो विजय हुआ था तो करीब वो फूल रहा था, वो अपने आप पर गर्व महसूस कर रहा था। लेकिन उसी वक्त क्या किया है, जो बीड़ी की फैक्ट्री के सामने थी उस फैक्ट्री के दरवाजे पर उसके अब्बा खड़े थे, उसके पिताजी खड़े थे और उन्होंने उसे पुकारा है। और वो भी कैसे पुकारा है? देखो बेवकूफ क्या कर रहा है वहां, या फैक्ट्री में बहुत काम करा रहे हैं। किसने पुकारा है? करीब के अब्बा जी ने पुकारा है। क्या कहा उन्होंने? बेवकूफ क्या कर रहा है तू उधर, इधर बीड़ी फैक्ट्री में काम करा है और तू उधर उन बच्चों के साथ खेल रहा है। करीब की खुशी गायब हो गई, वह भयभीत अब्बा की ओर देख रहा था, उसके मुंह से बोल नहीं निकल पा रहा था। देखो जब वो अपने आप पर गर्व महसूस कर रहा था, वो विजयोत्सव महसूस कर रहा था, तभी उसके अब्बा जी ने कहा कि बेवकूफ तू उधर क्या कर रहा है, इधर फैक्ट्री में काम कर रहा है और तू उधर खेल रहा है। ये सब सुनते ही उससे उसकी खुशी अपना हो गई है, गायब हो गई है और वो भयभीत हुआ है, वो डर गया है और डरते हुए वो कहां गया है? फैक्ट्री में निकल गया है।
फैक्ट्री में चला गया है। अरे देवदूत यहां अबा ने बुलाया, डरते डरते करीम फैक्ट्री की सीढ़ियां चढ़कर दरवाजे के पास गया। देखो अबा जी को डर रहा है और वह डरते डरते फैक्ट्री की सीढ़ियां चढ़कर कहां गया है, दरवाजे के पास गया है। अबा की आंखें गुस्से से जल रही थी। अबा ने करीम के गाल पर जोर से एक तमाचा मारा। देखो जैसे वो अबा के पास गया, दरवाजे के पास गया, तब अब्बा जी ने क्या किया, उसे उसके गाल पर एक जोर से तमाचा मारा है। करीम की आंखों से आंसू बहने निकले। लड़के के अविवेक, अविवेक अविवेक क्या है, अज्ञान, करीम की आंखों से आंसू बह निकले। लड़के के अविवेक के कारण उसके काम के बदले परिवार को मिलने वाले पैसों में से कुछ पैसे न मिले तो इस तरह की बात सोचने वाले पिता की दृष्टि पुत्र के आंसुओं की ओर नहीं गई। उसने लड़के के आगे कुछ पत्ते और कैंची फेंक दी। देखो जैसे भी अब्बा जी ने उसके काम पर तमाचा मारा, वो रोने लगा, उसकी आंखों से आंसू आने लगे। तब भी उसके अब्बा जी से यही सोच रहे थे, अगर उसने काम नहीं किया तो परिवार के लिए क्या नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे। ऐसा सोचते हुए उस पिताजी ने क्या किया है, करीम के सामने पत्ते, बीड़ी के पत्ते और कैंची फेंक दी है। ये ले और पत्ते कतारने का काम कर, ऐसा कहा है। करीम आंसू बहाते हुए पत्ते कतरने लगा। बाहर खेलने वाले लड़कों की टोली से आवाज सुनाई दे रही थी। करीम की आंखों से लगातार आंसू बहते रहे। बाहर से लड़कों की आवाज बार बार सुनाई पड़ती रही, एक दो तीन रेडी। देखो करीम पत्ते कटाने का काम कर रहा था और बाहर बच्चे खेल रहे हैं, जो खेल करीम को बेहद पसंद है। और जब वह कारखाने में बैठकर, फैक्ट्री में बैठकर पत्ते कटा रहा है, तब खेलने वाले बच्चों की आवाज उसके कान पर आ रही है, एक दो तीन रेडी। दोस्तों इस गद्य के माध्यम से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए, स्कूली शिक्षा पर बल देना चाहिए। स्कूल की जो शिक्षा है उस स्कूली शिक्षा पर बल देना चाहिए। हमें अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए, जैसे कि करीम ने दिखाया, करीम ने उसका आत्मविश्वास बढ़ाया गुल्ली डंडा खेलते हुए। चुनौती को स्वीकारना चाहिए, कभी भी चुनौती को डरना नहीं चाहिए। परिश्रमशीलता हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, परिश्रमशीलता होनी चाहिए, उसके साथ साथ प्रेम का संचार भी होना चाहिए हमारे अंदर। और क्या होना चाहिए, प्रेम का संचार भी होना चाहिए। तो ये जो गद्य है दोस्तों, ये गद्य यहाँ पर समाप्त हो गया है। इसके बाद इस गद्य के हम जो सवाल है, उन सवाल